खुद ही तो हूँ, एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर मोड़ पर एक दिन खुद को पुकारा, इल्म को आवाज दी, सुना सा कुछ नया सा, एक नगमा गूंज उठा, अपने पे ईमान आया, अपने पे देखा लक्ष्मी, भूदे भैया हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा शाम का समय यहाँ काट लिया करेंगे। भूदे भैया हमारे घाटे की बात कर ही नहीं सकते हैं। बस कि हमारे गांव में भी एक शिक्षा केंद्र खुल रहा है। बैठ जा लक्ष्मी। तो भाइयों, पढ़ाई लिखाई हम सभी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना की खाना पानी। क्यों रे सुषमा, पढ़ लिख के क्या पेट भर जाएगा? चुप रे, ये अक्ल की बात है, तेरी समझ में थोड़ी आएगी। तब आपको कैसा लगेगा? तो सबसे पहले मैं आपकी भेंट इनसे कराता हूँ। ये है सविता जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनके स्वागत में तालियां बजाएं। अरे सुषमा, मुझे तो इस औरत की लच्छे लच्छे दिखाई नहीं देते। अरे जरा तू भूदेव को समझ गई ना? आप लोगों की ओर से सविता जी से वादा करता हूँ कि आप लोग उन्हें पूरा पूरा सहयोग देंगे। बैठिए सविता जी। अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम मेम लगती है मेम। तो सबसे पहले क्यों रे चंद्रा, ये अपने गांव में रहेगी क्या? और क्या, और यहाँ नहीं रहेगी तो पढ़ाएगी कैसे? अरे तब तो हम जरूर पढ़ाएंगे। क्यों महेश क्या सविता जी को होगी? और ये है पुरुषोत्तम जी, ये दोनों रोजाना आपको पढ़ाया करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस गांव का एक एक आदमी पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर पढ़ लिख जाए, जैसे ये सारे गांव को कलेक्टर बना देगा ये। अरे पहले अपना घर देख, अपना घर वाली को तो कैक है आता नहीं, और गांव को पढ़ाएगा। अरे ऐसे ही लोगों के लिए तो कहा गया है, आँख का अंधा और नाम निहंसुक। तो आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप लोग रोज यहाँ पढ़ने आया करें। तो बनवारी भैया, मेरा काम नहीं करवाओगे क्या? कौन सा काम? वही बैल वाला। बैंक के बाबू लोग तो आपके संगी साथी हैं। तो भूदेव से कहना, वो तो सरपंच है तेरा, देख नहीं रहा कैसे लाट साहब की तरह भाषण फेल रहा? अरे कैसी बातें करते हो भैया, अरे हमारे सरपंच तो आप हैं। आप बस बस, मुँह में राम राम बगल में छुरी, बड़ा सरपंच मानता है ना तो वोट में हरवा क्यों दिया? अरे वो तो भैया, ताकि कल को मैं भी इस गांव का सरपंच होने के नाते सर उठाकर ये कह सकूं कि मेरा गांव सोनपुर एक पढ़ा लिखा गांव है, मेरे गांव में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है। तो उधर किसे देख रही है? मुझसे नाराज है? आ इधर आ, बैठ मेरे पास। जाओ, मैं नहीं बैठती। बाप रे, इतना गुस्सा, आखिर बात क्या है? जाओ जाके उसी मास्टरनी को अपने संग बिठाओ जिसको ये मुस्का मुस्का के घूर रहे थे। बढ़िया ही सबिता जी। तो ये बात है? और नहीं तो क्या, तुम जब भी किसी दूसरे को देखते हो ना तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जरा वो शीशा लेके तो आए इधर। मैं नहीं लाती। अरे ला तो सही। बैठ। अब इस शीशे में अपनी शक्ल देखकर मुझे बता कि है इस पूरी दुनिया में कोई तुझसे सुंदर जिसकी तरफ देखूंगा मैं? और तू सिर्फ सुंदर थोड़ी है, तू तो मेरी जिंदगी है जिंदगी। पर मैं उस मास्टरनी जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं हूं ना। तो क्या, पर है तो मेरी ना। पर सुषमा एक बात कहूं, देख सुंदर तो तू है ही, इस पे थोड़ा साज सिंगार भी कर ले तो और भी सुंदर लगेगी। लगेगी या नहीं? जाओ, तुम तो यूं ही झूठ मूठ कोई तारीफ कर रहे हो। अरे तू सुन तो मैं क्या कह रहा हूँ, बोल लगेगी ना? तुम तो सुन तो,
मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कपड़े जेवर आदमी को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही पढ़ाई लिखाई भी है आदमी के लिए। तू अगर थोड़ा हाँ हाँ हो गए ना शुरू, अब कहोगे कि जा जाके उस मास्टरनी से पढ़। तो तू नहीं जाएगी? मैं नहीं जाती, अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मनवाली तेरे पास पंपिंग सेट है तो बेबू को पानी क्यों नहीं देता फिर सीखने के लिए? कैसे दे दू मुखिया जी, पिछले बरस का पैसा अब तक चुकता नहीं किया और आप कह रहे हैं पानी दे दू? अरे दे देगा भाई दे देगा, इस बरस तो पूरा पैसा चुका दिया है ना, पिछला भी चुका देगा। भाई गरीब आदमी है, अगर रोपनी नहीं हुई तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे उसके। अच्छा देखता हूँ। लक्ष्मी नहीं है क्या? बैठा तो हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उम्र के साथ साथ अब आंखें भी जवाब दे रही हैं। लक्ष्मी तूने कल सरवन के बैल को काको पीट दिया। अरे तो क्या करता, सारा पानी पी जाने देता बैल को, गिन गिन कर नोट देता हूँ बनवारी भैया को, तब जाकर पटाने भर का पानी मिलता है। तो मैं कौन सा तुम लोगों का पैसा पक्से में बंद करके रखता हूँ? मशीन की मरम्मती का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, अरे 10 तरह के खर्चे हैं। तो पैसे तो देता हूँ ना मैं, इसलिए थोड़ी कि माल मवेशी आए और पानी पीकर चले जाएं। अरे 2 चुल्लू भर पानी गाय बैल पी लेंगे तो तेरे खेत में सुखाड़ नहीं आ जाएगी, धर्म कर्म सब भूल गया। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो बनवारी भैया, जैसे 10-5 मिनट पानी ऐसे ही छोड़ देते हो। अरे चुल्लू भर पानी पर तो आग लगती है आपकी। बनवारी तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ न खो जाया। कहो रघु बाबू, ऐसी क्या दरकार पड़ गई मुझसे? पूछता है क्या दरकार पड़ गई, तुझे पता नहीं 4 दिन बाद शादी है घर में? हाँ है, तो बोलो क्या करना। पानी का जिम्मा तू ले ले, लड़की की शादी है और पानी की दिक्कत तो तू देख ही रहा है। अब क्या है रघु बाबू, पानी की जरूरत तो सारे गाँव को है। अब आप कह रहे हैं तो आपके बारे में भी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, शाम को मेरे घर पे आ जाओ, वहीं कुछ सोचेंगे। ठीक है। रघु बाबू मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताइएगा। हाँ हाँ भाई, सरपंच जी के रहते हुए आप मुझे पानी के लिए कह रहे हैं, बस इनसे कह दीजिए आपका सब काम हो जाएगा। क्यों भूदेव जी? हाँ सिर्फ पानी के अलावा, अभी तो पानी पे आप ही का राज चलता है ना। खैर खैर क्या, बोलिए बोलिए भूदेव जी, चुप क्यों हो गए बोलिए। अरे बनवारी तू तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और रघु तू चिंता ना कर, लड़की तो पूरे गांव की होती है, हम सब लोग मदद करेंगे। बड़ी सुंदर लग रही है, मुझे देखेगा ना तो आय हाय शर्माए गई। अरे तेरे जमाने में जब मैं ऐसी थी ना तो मैं भी ऐसी ही शर्मा। अरे चार दिन शादी को रहेगा तब बहन के ब्याह में आए हैं ससुराल वाले, ऐसे प्यारे हैं आजकल की लड़कियां भैया। हाय रे लक्ष्मी आ गई अम्मा। हाँ बैठी हैं ना। अरे बेटा कैसी है रे तू? हाय छोरी। अरे मेरी छोरी, अरे बड़े दिनों के बाद आई, अरे बड़े अरे अरे बड़े दिनों के बाद आई तू तो। ले बिटिया चल। अरे तुम लोग चुप क्यों हो गई? अरे मुंह में दही जम गया क्या? गाओ ना। अरे गाओ भाई। तू आज तो इतना मजा आया कि कुछ पूछो ही मत।
वो जो बसंतो बुआ है ना वो तो खूब ही नाची। बस बस बहुत हुआ, अब जाके कपड़े बदल ले। क्या बात है जी, तुम बड़े परेशान से लग रहे हो। कुछ नहीं। बात क्या है बताओ तो सही। बात क्या है, कह देना कुछ नहीं है, जा जाके अपना काम कर। ये क्या, तू तो रोने ही बैठ गई। ए सुषमा चल माफ कर दे। ले कान पकड़ता हूं, अब तो माफ कर दे। क्या करूं, दिन भर में काम ही इतने सारे हो जाते हैं कि मन खींच जाता है। चल अब तो माफ कर दे, एक बार मुस्कुरा के तो दिखा दे, तू तो उधर को ही मुंह करके बैठ गई। बुधे भैया, बुधे भैया, गलती तो वैसे महेश की है। अरे चंद्रा भैया, उसे थोड़े ही मालूम था कि बनवारी ने लखपत से भी पैसे ले रखे हैं। बुधे भैया जल्दी चलो। क्या हुआ रे, कौन सी आफत आ रही है? चल के अपनी आंखों से देख लो। मगर हुआ क्या? अरे क्या बताएं बुधे भैया, महेश और लखपत में मारा काटे की नौबत है। अच्छा बस तुम जल्दी चलो। तूने माँ का दूध पिया तो मैं भी चूड़ी पहन के ऐसे लड़ने झगड़ने से पानी मिलेगा क्या? दोनों ले लो बारी बारी से। अजी रहने दो, तुम जाओ घर अपने, खुद ही तो आग लगाते हो और आ जाते हो हाथ सेकने के लिए। दोनों से पैसे ले लिए और एक ही टाइम में पानी लेने के लिए बोल दिया। असली गांठ तो तुम मत, तुम देख रहे हो भाई लोगों, एक तो अपने हिस्से का पानी काट कर दो इन्हें और ऊपर से क्या, मुफ्त में थोड़ी देते हो, हम भी गांठ भर भर के रुपया देते हैं तुम्हें। तो ज्यादा चौड़ा क्यों हो रहा है, अपना पैसा ले लियो, एक तो इन लोगों की मदद करो और ऊपर से फजीहत भी सहो। ए सुरेश चल पंपिंग सेट को बंद कर दे। अभी बंद करता हूँ, मुझे नहीं देना पानी वानी किसी को। पानी कैसे बंद कर दोगे, झगड़ा महेश ने शुरू किया है, पानी इसका बंद करो। मैं क्यों झूठ बोल रहा है, झगड़ा मैंने शुरू किया था। ये क्या तमाशा लगा रखा है लखपत, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। उदय भैया आप बीच से हट जाइए, झगड़ा हो जाने दो। चल लखपत पानी ले ले, कल से इस पानी का टंटा ही खत्म कर दूंगा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चल बे सुरेश आ मेरे साथ। भूदेव भैया हमें बनवारी का जुल्म कब तक सहना पड़ेगा? क्या हमारे सोनपुर में कभी पानी नहीं आएगा? आएगा चंद्रा, जरूर आएगा, मगर कब कब आएगा पानी? भूदेव भैया कुछ जल्दी कीजिए। हाँ कुछ तो करना ही होगा। भैया रोक लिए, नहीं उसको बता भी देता मैं। अरे भैया चुप रहे, कलेक्टर साहब आए वाले। जब तक ये पानी का निपटारा नहीं होगा रोज झगड़ा होता रहेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन देखो अभी जैसे ही आए तुरंत बात कर ले। हां बात कर ले। हुजूर कहिए। हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। कौन से गांव में? जी सोनपुर में। हां सुना तो हमने भी है, सोनपुर तो काफी दूर है यहां से। जी है तो, पर आप कौन है? जी मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर गंगा नहर का पानी हमारे गांव में आ जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब सुना है कि मंत्री जी गांव का दौरा भी करने वाले हैं, अगर एक बार हमारे गांव में भी। हाँ मिनिस्टर साहब जाने वाले तो हैं, लेकिन वो तो गोधरा जाएंगे। गोधरा से कितनी दूर है सोनपुर? जी 10 कोस होगा। रास्ता किधर से? जी हम खुद गोधरा आके उन्हें ले जाएंगे, बस एक बार मंत्री जी गाँव में आ जाए तो, नहर का पानी गाँव से दूर नहीं है। ठीक है, जैसे ही उनका प्रोग्राम बनेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप अपना पता बड़े बाबू को लिखवा दीजिए। हुजूर आइए, हुजूर पता लिखिए। आपका नाम? जी भूदेव सिंह। भूदेव सिंह पता? बस आप सोनपुर लिख लीजिए। हाँ जी हाँ सोनपुर। सुषमा जी अब तू ही संभाल मास्टर जी को, मैं तो चलूं। रुक तो, नमस्ते मास्टरनी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हो मास्टरनी जी, जरा चलते चलते, कल सा बड़ा भारी है। बात क्या है? आजकल आप स्कूल नहीं आती, अब आप ही बताइए ना मास्टरनी जी, कोई एक झमेला हो तो बताओ। घर में लोगों का आना जाना, शादी ब्याह छठी गोद भराई में जाके गाना बजाना, अब आप ही बताओ ना मास्टरनी जी। वो तो है ही, अब देखिए ना मैं भी आप ही की तरह एक औरत हूँ, ये सारे झमेले तो मुझे भी झेलने पड़ते रहे हैं, पर उन्हीं झमेलों में से समय निकालकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब। मगर मुझे तो रत्ती भर टाइम नहीं मिलता। देखिए बहाना नहीं, शादी ब्याह में नाचने गाने के लिए आप समय निकाल पाती हैं, पर पढ़ाई के लिए नहीं। हाँ देखिए सुषमा जी समझने की कोशिश कीजिए, दो अक्षर पढ़ लेंगी तो आप ही का फायदा होगा। आपको तो चाहिए कि गाँव की दूसरी औरतों को भी साथ लेकर आए।
देखिए आप सरपंच जी की पत्नी हैं, आप पढ़ेंगी तो उनकी भी इज्जत बढ़ेगी। ठीक है मास्टरनी जी, मैं कल से टाइम निकाल के जरूर आऊंगी। ठीक है। भूदे भैया को कलेक्टर साहब के यहाँ से लौटे हुए 10-12 रोज हो गए, अगर अभी तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। कह रहे थे जब चिट्ठी भेजेंगे तभी मंत्री जी भी आएंगे। हाँ हाँ, अरे कलेक्टर साहब खुद ही कह रहे थे कि मंत्री जी गांव में आएंगे तभी कुछ पानी वानी। ए, ये सब मंत्री मंत्री की बातें ऐसी ही होती है। अरे हमें मालूम है कोई पानी वानी नहीं आने वाला हमारे इस गांव में। ऐसा क्या बोल रहा है तू है? देखियो मंत्री जरूर आएंगे और हमारे गांव में पानी भी आएगा। अरे तो कब आएगा पानी, जब हम सोनपुर वाले बिना पानी के मर जाएंगे तब। मुझे तो लगता है भैया भूदेव भैया झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कलेक्टर के यहाँ गए भी है या नहीं। हमारी किस्मत में तो यहीं से पानी ढूंढना पड़ा है। क्या अनशन पक रहा है तू? भूदेव भैया ने हम लोगों के सामने कलेक्टर से बात की थी, पूछ ले मैं इससे। हाँ हाँ, बात तो बरोबर की थी, पर अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं आई? भैया 2-4 दिन और देख लो, अब साहब झूठ तो बोलेंगे नहीं। फंस गए होंगे मंत्री जी किसी काम में, 3600 काम है उनको। हाँ ये बात तो, क्या पता विदेश चले गए हो। भूदेव भैया, भूदेव भैया, भूदेव भैया है क्या? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ लक्ष्मी, क्या बात है? भूदेव भैया मंत्री जी गोधरा आकर लौट भी गए। क्या, तुझे कैसे पता? मैं सीधा गोधरा से ही तो आ रहा हूँ। वो मंत्री जी, कलेक्टर साहब, अफसर, बाबू, ये सब लोग मिलाकर 25 जने आए थे। मंत्री जी अपने गांव में क्यों नहीं आए? आते कैसे, जाना तो मुझे ही था उन्हें लिवाने। तो भूदेव भैया आप गए क्यों नहीं उन्हें लेने? चिट्ठी मिलती तभी तो जाता ना। मुझे लगता है चिट्ठी किसी ने गायब करवा दी है। अब चिट्ठी कौन गायब करवा सकता है? वही जिसे गांव में पानी के ना आने से फायदा हो सकता है। अब फायदा तो बनवारी बाबू के अलावा और चलते हैं कलेक्टर के ऑफिस, पहले वहीं पता करेंगे। अभी आया। ठीक है चलो। ठीक है जाइए, कंप्लेंट कीजिए। अरे धमकी किसे दे रहे हैं? तो आप मेरा काम नहीं करेंगे? अरे मैंने कह तो दिया फुर्सत मिलेगी तो करूंगा। चलिए छूटिए यहां से, मुझे काम करने दीजिए। नमस्ते बड़े बाबू जी, मैं सोनपुर गांव से आया हूँ, वहां का सरपंच हूँ। उफो, काम क्या है? जी मेरे नाम की एक चिट्ठी जाने वाली थी यहाँ से, वो कलेक्टर साहब बोले थे। तो जी वो गई या नहीं यही मालूम करना था। क्या नाम बताया? जी भूदेव सिंह। भूदेव सिंह, भूदेव सिंह, हाँ मिल गया। चिट्ठी तो 7 तारीख को चली गई, 1 हफ्ता हो गया, अब तक तो मिल गई होगी। अरे 3 दिन लगते हैं पहुंचने में। देखो यहाँ ये एंट्री है। मैं कहता था ना चिट्ठी जरूर भेजी जाएगी, अब तो भरोसा हो गया तुमको। अभी चिट्ठी गायब कराने में किसका फायदा हो सकता है? बनवारी का। चलो चलो, ये लो बनवारी भैया 30 रुपया हमारे पानी का। शाम के 3 से 4 बजे तक के आए। ठीक है ठीक है। हाँ अब जा। ठीक है। ओ सुरेश। आ बनवारी भैया। और कितनी देर लगाएगा? असली चेला तो तू ही निकला है पूरे गांव में। बस बनवारी भैया बैल आ जाए। चिंता मत कर, सब आ जाएगा। ओहो, आहो भाग्य मेरे, आज सरपंच जी चल के खुद मेरे पास आए हैं। हुक्म कीजिए। लक्ष्मी बता इसे, चिट्ठी कब चली थी कलेक्टर के ऑफिस से? बाबू साहब तो कह रहे थे कि 7 रोज पहले ही निकल गई चिट्ठी। निकल गई तो गई कहाँ? यही तो मैं तुझसे पूछने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि चिट्ठी के ना मिलने से, मंत्री जी के गांव में ना आने से और गांव में पानी के ना आने से फायदा तो सिर्फ तेरा ही है। तो ये तूने अच्छा नहीं किया बनवारी, शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने एक जरा से फायदे के लिए तूने चिट्ठी गायब करा दी, पूरे गांव को सूखे की लपेट में झोंक देना चाहता है तू। होश में बात कर भूदेव, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू क्या समझता है, जोर से बोल के तू सच को दबा देगा? मैं कल ही पंचायत बिठाता हूँ, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे जा जा,
ये सरपंच की धमकी किसी और को दिखाना, पंचायत का कोर्ट कचहरी बिठा ले, पर खबरदार जो मुझ पर अनशन लाचन लगाया। तू चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं अभी पीट कर रख दूंगा। क्या बात है भूत है भैया, ये महेश कुछ बता ही नहीं रहा, मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ के ले आया। जी तो तूने मेरे नाम की कोई चिट्ठी बनवारी को दी थी? देख साथ साथ बताइयो। बता भाई जीतू, कभी कोई चिट्ठी दिया तूने मुझे? दे भैया, मैं आपके नाम की चिट्ठी भला बनवारी जी को क्यों देने लगा? हाँ, तीन चार रोज पहले मैंने एक चिट्ठी आपके घर में जरूर दी थी। क्या? मेरे घर में? हाँ, मगर किसे? आपकी घरवाली को, और किसे? सुन लिया? जा जा, आप पकड़ के ला अपनी भौजी को और पूछ उससे कहाँ चिट्ठी। महेश, सुषमा, ए सुषमा, सुषमा कहाँ है तू? ऊपर हूँ, छत पे। नीचे आ जल्दी। आ रही हूँ, दो चार कपड़े और हैं बस। तू पहले नीचे आ, जल्दी। आई। जीतू डाकिया तुझे कोई चिट्ठी देके गया था? चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? तीन चार दिन पहले। हाँ, देखे तो गया था। तो कहाँ है वो? वो तो मैंने संभाल के रखी है, अभी लाती हूँ। उस दिन हर प्यारी चाची के यहाँ जा रही थी गीतों में, बताना भूल गई। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? ले ले ले, पढ़ ले इसे, समझ में आ जाएगा कितनी जरूरी चिट्ठी थी ये। पर तू पढ़ेगी कैसे? अगर पढ़ सकती होती तो पूरे गांव के सामने मेरी नाक क्यों ना कटती? तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से पूरे गांव के सामने आज मेरा सिर शर्म से झुक गया। अरे अगर ये चिट्ठी टाइम से मिल जाती तो तेरा मेरा पूरे गांव का भविष्य बदल जाता, पानी की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। पर तूने तो, मैं बार बार तुझसे कहता रहा गांव में केंद्र चल रहा है, जाके चार अक्षर पढ़ ले। अरे पढ़ने लिखने में कैसा हरज, पर नहीं, तूने एक ना सुनी। तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सुषमा। मैं और तू अलग अलग नहीं है सुषमा। अगर आज तक लोग तुझे भूदेव सिंह सरपंच सोनपुर की पत्नी की तरह से जानते थे तो आज से लोग मुझे एक अनपढ़ का पति ही समझेंगे। अनपढ़ता का धब्बा तूने आज मेरे मुंह पर लगा दिया सुषमा। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अभी भी देर नहीं हुई है, वादा कर कि तू पढ़ना लिखना शुरू करेगी। देख सुषमा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन मुझे जरूरत है एक ऐसी घरवाली की जो मेरे काम को समझे, मेरा हाथ बटाए। कल मैं तुझे मायके छोड़ाऊंगा, वहां तुझे घर के कामकाज से छुट्टी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए, अपने लिए पढ़ना लिखना शुरू करे, और जिस दिन मुझे तेरे हाथ की लिखी चिट्ठी मिलेगी उसी दिन तुझे लिवाने आ जाऊंगा। तैयारी कर लियो, सवेरे तड़के ही चलेंगे। पूरे गांव की जो भतपीटी है ना, बस पूछो मत। लो वो आ रहे हैं तुम्हारे सरपंच जी। राम राम भूते भैया, कहाँ जा रहे हो? ससुराल? भौजी को पहुंचाने? अरे पहले ही पहुंचा ही होते तो गांव वालों कम से कम एक दिन तो ना देखना पड़ता। मैं देख के चल नैन सुख। सुषमा, सुषमा, मुझे तो पुष्पा चाहिए। सुषमा, क्या हुआ सुषमा? बता ना, तुझे मेरी कसम सब ठीक है। अब दे जवाब,
तब तो बड़ा चौड़ा हो रहा था, पंचायत बिठाऊंगा पंचायत, हैं? अब क्यों नहीं बोलता बैठा पंचायत? कहो तो भौजी को खबर कर दूं। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। पार्ट तीन, चुन्नू चुन्नू। अरे मैं झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं चाहता, ये सुरेश ने पूरे तीन हाथ जमीन मेरे खेत की अपने खेत में मिला ली है। अब ये तो सरासर डकैती हुई ना, हुई या नहीं हुई बोलो मुखिया जी। अरे बित्ता आधा बित्ता की बात होती तो मैं छोड़ देता, मगर तीन हाथ नहीं छोड़ सकता। बस अब तू बता भूदेव, अरे कहाँ खोया है भाई, कहाँ खोया है? भूदेव भैया, अरे भूदेव भैया आप यहाँ बैठे हो, मैं पूरे गाँव में ढूंढाया आपको, ये आपकी चिट्ठी। मुखिया जी राम राम। और मांगेराम जी क्या हाल है आपके, ठीक हो जी? मेरे प्राणनाथ, चिट्ठी अपने हाथ से लिख रही हूँ। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं अब पढ़ लिख सकती हूँ, अब तो खुश है ना? मुझे लेने कब आ रहे हो? मैं आपकी राह तक रही हूँ, आपके चरणों की दासी सुषमा। देखिए देखिए मुखिया जी, सुषमा की चिट्ठी आई है। हाल चाल तो सब ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चिट्ठी सुषमा ने लिखी है, खुद अपने हाथ से लिखी है। अच्छा तो बहु रानी लिखना पढ़ना सीख गई। देखा, बहु रानी लिखना पढ़ना सीख गई। अरे लक्ष्मी, सुषमा की चिट्ठी आई है। अच्छा, जा रहा हूँ तेरी भौजी को लेवाने। अच्छा जाओ जाओ, ठीक से जाना।